बच्चों, हम लोगों ने पिछले भाग में अंग्रेजी भाषा के 13 कैपिटल अल्फाबेट्स लिखना सीखे थे। आज हम लोग बाकी के बचे हुए 13 कैपिटल अल्फाबेट्स लिखेंगे, मगर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम लोग सारे अल्फाबेट्स एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें। बेटा, आप लोग जोर से बताइएगा। A B C D E। जोर से। F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इन पहले के सिखाए हुए शब्द A से M तक का खूब अभ्यास किया होगा। बेटा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है 4 लाइन्स। जब तक हम इन 4 लाइन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इन अल्फाबेट्स को नहीं ठीक से लिखना सीख पाएंगे। हमने M तक लिख लिया था और आज हम शुरू करेंगे N। बहुत सरल है, अगर आप ध्यान से देखें तो पहली लाइन से हम स्टार्ट करते हैं, तीसरी लाइन तक जाएंगे और यहां से एक स्लैंट लाइन, ये सीधी लाइन। दोबारा से एक बार आप हमारे साथ लिखिए और हमेशा अक्षर को कोशिश कीजिए ऊपर से स्टार्ट करने का। यहां से आपने ये 3rd लाइन तक स्लैंट लाइन स्टार्ट करके ऊपर से नीचे। समझ में आया आप लोगों को? ऊपर से शुरू कीजिए, नीचे तक लेके जाइए, स्लैंट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ऊपर से ये दोबारा से देखिए स्लैंट लाइन, फिर ऊपर से। कैपिटल लेटर्स जब हम लिखते हैं तो हम हाथ को उठा के लिखते हैं, यहां से फिर ऊपर से गए, फिर ऊपर से। एन आपने सीखा, अब आप लिखेंगे ओ। ऊपर की लाइन को टच करते हुए हम 3rd लाइन इधर, ये गोल, वो सबसे इजी होता है ना, बहुत इजी होता है वो। लेकिन बेटा, जब भी आप इसको लिख रहे हैं, कोशिश कीजिएगा ये दोनों लाइन के बीच में ही हो। किसी भी काम को अगर हम रूल्स के हिसाब से, नियमों के हिसाब से करें तो सुंदरता आएगी। एक बार और कोशिश कीजिए, ये मुझे आशा है कि ओ बनाना सबसे इजी लगा होगा आपको। अच्छा, चलिए अब पी। क्या आता है ओ के बाद, क्या आता है? पी। बेटा आप लोग देखिए, मैम हमेशा ऊपर से शुरू करती हैं, यहां से किया 3rd लाइन तक, फिर ये ऊपर ही रहेगा, ये नीचे की लाइन में नहीं आएगा, ये जो गोल है। दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन बनाई और आधा सर्कल ऐसे टच किया। किसी भी चीज को नीटली करने के लिए उनको लाइनों के अंदर, इसीलिए हम 4 लाइन्स का प्रयोग कर रहे हैं। ये देखिए, ये सीधे इसके अंदर, एक बार और ये। बेटा किसी भी चीज को अगर हम लगातार अभ्यास करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं तो बहुत अच्छे से काम हो सकता है, मगर अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब देखिए, आप पी के बाद क्या आता है? पी के बाद क्यू। क्यू ये ओ की तरह आपने बनाया और एक ये डंडी ऐसे, देखा? किसी भी मैंने लाइन में नहीं, बीच से यहां से लेके 3rd लाइन तक ओ बना के ऐसे, फिर एक छोटी सी डंडी इधर क्यू। बहुत इजी है अगर आप ध्यान से सीखे तो। एक बार और लिखिएगा, सुंदर सा मेरे साथ लिखिए, ओ बना के ये क्यू। फॉर क्या होता है? क्यू फॉर क्वीन। क्वीन, क्वीन का मतलब क्या होता है? रानी। रानी, ओके। क्यू के बाद नेक्स्ट लेटर, क्यू के बाद आर, ठीक है? आपने पी बनाना सीखा ना अभी? हाँ। ये देखो, ऐसे जाके ऐसे और आर में एक डंडी नीचे, ये सुंदर सा है। समझ में आया? पी आपको बनाना आते ही है, ऊपर से ऐसे लेके पी बनाया और फिर आर के लिए यहां से डंडी, स्ट्रेट लाइन, हाफ सर्कल, स्लैंट लाइन। एक बार और बनाइए, ये ऐसे, ऐसे स्ट्रेट लाइन,
ऐसे। आर के बाद एस। वेरी गुड। एस एस फॉर, एस फॉर सन। सन वेरी गुड। एस फॉर स्टेशन, स्टेशन सन स्टॉप। अच्छा अब एस कैसे बनाएंगे देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखना। ये ऊपर की लाइन है, इस पे यहां जाके सेकेंड लाइन पे मुड़ेंगे, फिर थर्ड लाइन पे। जैसे सांप सीढ़ी खेलते हैं ना ऐसे करके, वैसे ही कर्व। ये देखो यहां से ऐसे जाएंगे, सेकेंड लाइन पे मुड़ेंगे, थर्ड लाइन पे फिर मुड़ जाएंगे। एस ठीक है, एक बार और प्रैक्टिस कीजिए। ये बेटा जितनी बार इसका अभ्यास करेंगे उतनी सुंदर लिखावट होती जाएगी आपकी। और हमेशा फोर लाइन शीट का प्रयोग करें। ये देखो ये एस ठीक है, सुंदर है। हाँ। ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे ना। हाँ। चलिए अब नेक्स्ट टी। वेरी गुड। टी एस के बाद टी, स्ट्रेट लाइन और फिर मामी स्ट्रेट लाइन, ये ऊपर में बीचों बीच में, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये बीच में आनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन टी फॉर टाइम, टी फॉर टाइम, टी फॉर टाई, टाई और टी फॉर ट्री, ट्री भी होता है ना, अभी बताओ। ट्रेन वेरी गुड, वेरी गुड। फिर से एक बार प्रैक्टिस कीजिए। टी बहुत इजी है, स्ट्रेट लाइन ऊपर एक लाइन, टेल टेल यस। अच्छा बनाया, आप भी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब टी के बाद क्या आता है, यू। यू माने अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला। यू ये स्ट्रेट फिर कर्व फिर ऊपर। इसमें बेटा हाथ मत उठाना ठीक है, देखो ये यहां ऐसे ऐसे, इधर ऐसे ऐसे। एक बार और प्रैक्टिस करो, स्ट्रेट कर्व ऊपर। कोशिश करना हाथ बिल्कुल ना उठे। ये यू ठीक है, समझ में आया। प्रैक्टिस करना है बेटा। अब वी, वी फिर बहुत इजी है, बस थोड़ी सी आप ध्यान रखना कि किधर बनाना है। हम जैसे ए बनाया था उसको उल्टा, वेरी गुड, ए जैसे बनाया था उसका उल्टा। ये वी इधर से स्लैंट, इधर से वी फॉर वैन, वी फॉर वैन, वेरी गुड। और क्या होता है वी से, वी फॉर वॉयलिन, वॉयलिन देखकर बजाते हैं ऐसे करके, वॉयलिन वो भी होता है वी फॉर। देखो इजी है, आपको आसान लग रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे, इजी लग रहा है। और क्यों नीट नीट साफ साफ काम क्यों हो रहा है, क्योंकि आप ये लाइंस को ध्यान में रख रहे हो। अगर आप लाइंस को ध्यान में नहीं रखोगे तो कोई लाइन लंबी हो जाएगी, कोई लाइन टेढ़ी, कोई छोटी। ये देखो वी, वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू। डब्ल्यू कैसे, बहुत इजी सा बताओ डब्ल्यू कैसे लिख सकते हैं हम लोग, जैसे एम बनाते हैं, एम बनाते हैं उसको उल्टा कर देते हैं। वेरी गुड। डब्ल्यू फॉर, डब्ल्यू फॉर वाटर वुमेन, वॉच, वॉच। हाँ वेरी गुड। ये देखो डब्ल्यू थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे से, ये देखा ऐसे ऊपर, फिर यहीं से नीचे। आप देखो बेटा मैम हाथ एक बार भी नहीं उठा रही है। ये देखो ये ऐसे ऐसे, और हर अक्षर को लिखने के लिए ऊपर से स्टार्ट करो, नीचे से नहीं। ये इधर इधर, ये एक बार और अपने साथ लिखिए। गुड। अब एक्स, डब्ल्यू के बाद आप बताओ एक्स। एक्स बनाना फिर बहुत आसान है ना। हाँ। देखो हम लोग तीन लाइन कैपिटल लेटर्स में हम लोग सिर्फ फर्स्ट थ्री लाइंस यूज करते हैं। एक ऐसे स्लैंट लाइन बनाए इसको, यहाँ पर क्रॉस। हम लोग कट्टम कुट्टा खेलते हैं ना, कट्टम जीरो, कट्टम जीरो, तो वो ऐसे ही वाला। ये देखो ऐसे क्रॉस, एक्स फॉर एक्सरा, एक्स फॉर एक्सरे, एक्स फॉर एक्समस ट्री, और सोचो। ये देखो एक्स इजी है बनाना, प्रैक्टिस करोगे ना सुंदर सुंदर बेटा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना लाइंस के अंदर, बाहर नहीं जाए। ये देखो एक्स ठीक। हाँ एक्स वाई,
Y. Y for? Y for Y से येलो. येलो कलर. Y for याच और येलो कलर. ये देखो Y. अब यहाँ देखो छोटा सा यहां तक सेकेंड लाइन तक फिर थर्ड लाइन तक ये लाइन. ये बनाइए मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस कीजिए. एक बार और रिपीट. ये एक बार और प्रैक्टिस कीजिए बेटा. इधर ये लाइन लंबी. एक बार और. आपको लग रहा होगा मैम कितनी बार प्रैक्टिस करा रही है, लेकिन बेटा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है किसी भी चीज को सीखने के लिए. Y हो गया. Y के बाद Z. Z बनाने के लिए कैसे करेंगे? ऊपर एक लाइन ले गए स्लैंट लाइन थर्ड तक, फिर यहाँ ऐसे देखेंगे तो N लगेगा. हाँ इधर से नहीं देखना, लेकिन इधर से देखना, सीधे ऐसे लिखना है. ठीक है ये देखो ये स्ट्रेट स्लैंट लाइन स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन स्लैंट लाइन स्ट्रेट. बेटा आपने देखा मैम ने एक बार भी हाथ उठाया नहीं ना. कोशिश करो जोर जोर के लिखो और लाइंस के अंदर. इधर 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 ये आपने कैपिटल लेटर्स के जो बच्चे भी उस दिन के अक्षर थे वो आज आपने एन टू जेड. अब सिखाने को तो बेटा मैंने सिखा दिया लिखना आपको, लेकिन किसी भी चीज को सीखना सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि आप उसका कितना अभ्यास करते हैं. और किसी भी चीज को अगर आप वाकई तहे दिल से सीखना चाहते हैं, दिल लगा के सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप रोज एक बार प्रैक्टिस कीजिए और आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर लिखना सीख जाएंगे. ये तो रही आपके सारे कैपिटल अल्फाबेट्स. जैसा मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसमें दो तरह के अल्फाबेट्स होते हैं, एक तो कैपिटल अल्फाबेट्स और दूसरी तरह के कौन से अल्फाबेट्स होते हैं? स्मॉल अल्फाबेट्स. मैंने आप लोगों को पिछली बार भी बताया था कि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसमें अक्षर जो हैं दो तरह से लिखे जाते हैं, एक तो कैपिटल और दूसरे स्मॉल. इस बार मैंने आप लोगों को एन से लेके जेड तक के सारे कैपिटल अल्फाबेट्स लिखना सिखा दिए हैं, और अगली बार हम आप लोगों को स्मॉल लेटर्स अंग्रेजी के जो स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं उनको लिखना सिखाएंगे.